फ्रेंड्स, क्लास 10th में एक नया टॉपिक मानव के हृदय की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ऑफ ह्यूमन। ठीक, तो आज हम मानव के हृदय की आंतरिक संरचना बताएंगे कि मानव के हृदय की आंतरिक संरचना क्या होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो मिल सके। तो चलिए आइए हम जानते हैं मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो उससे पहले तो हम ये जान लें कि मानव हृदय क्या होता है और कहाँ स्थित होता है। तो जो मानव हृदय होता है वो रुधिर पंप करने का काम करता है। काम करता है रुधिर पंप करने का काम करता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक रुधिर को भेजता है। ठीक, तो जो हृदय होता है वो हमारे वक्ष भाग में, ये भाग कहलाता है वक्ष भाग, वक्ष भाग में जो मध्य अवकाश होता है, मध्य अवकाश में स्थित होता है और कहां पर, डायाफ्राम के ऊपर अधर तल पर। ये भाग जो कहलाता है ये अधर तल कहलाता है और पीछे का जो भाग कहलाता है वो पृष्ठ तल कहलाता है। तो अधर तल पर डायाफ्राम के ऊपर स्थित होता है। ठीक, और इसका भार कितना होता है, तो मनुष्य में इसका औसतन भार 300 ग्राम होता है। ठीक, तो ये छोटी सी जानकारी थी हार्ट के विषय में। अब हृदय की आंतरिक संरचना जानेंगे। अब अगर हमें हृदय की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है तो हमें हृदय की लंबवत काट काटनी पड़ेगी। ठीक, हृदय की लंबवत काट काटनी पड़ेगी। जब हम हृदय की लंबवत काट काटेंगे तब हम हृदय की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। तो जब हृदय की लंबवत काट काटी गई तो उसमें हृदय की निम्नलिखित संरचनाएं थी, जो संरचनाओं का हम वर्णन करने वाले हैं। तो लंबवत काट में क्या दिखा गया, क्या संरचना होती है, तो चलिए आइए जानते हैं हृदय की आंतरिक संरचना। तो जो हृदय होता है, सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे, हृदय के सबसे बाहरी जो दीवारें होती हैं, कौन सी दीवार होती है, उसके बाद कौन सी दीवार होती है, तो उसके बाद कौन सी दीवार होती है। तो हृदय की जो सबसे बाहरी दीवार होती है वो कहलाती है एपिकार्डियम। फिर हृदय की जो मध्य दीवार होती है वो कहलाती है मायोकार्डियम। और फिर जो हृदय की आंतरिक दीवार होती है वो कहलाती है एंडोकार्डियम। इस प्रकार से हृदय जो होता है वो तीन दीवारों से बना होता है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक, तो ये हृदय की दीवारों के विषय में हो गया। अब जो हृदय होता है वो चार बेसवी अर्थात चार कक्ष होते हैं हृदय में। कौन कौन से कक्ष होते हैं, देखिए, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार। ठीक, तो जो नंबर एक और दो है, मतलब हृदय को चार भागों में बांट दिया गया है अध्ययन के लिए। तो इसके जो एक तरफ के दोनों भाग हैं, एक तरफ के दोनों भाग हैं उनको कहते हैं बाया आलिंद। ऊपर का जो भाग होता है इसे कहते हैं बाया आलिंद और जो नीचे का भाग होता है उसे कहते हैं बाया निलय। ठीक, फिर इधर का जो भाग होता है ऊपर का उसे कहते हैं दाया आलिंद, देखो ये लिखा हुआ है, और जो यहाँ पर नीचे का भाग होता है उसे कहते हैं दाया निलय। तो इस प्रकार से हृदय के चार भाग हो गए, चार कक्ष हो गए, बाया आलिंद, बाया निलय, दाया आलिंद, दाया निलय। अब बाया और दाया कैसे जानेंगे हम, तो आपको पता नहीं होगा कि जो आपकी कापी होती है, कापी पर हमेशा ये भाग बाया होता है और ये भाग दाया होता है, इसीलिए इस भाग को हम बाया भाग कह दिया गया और इस भाग को हम दाया भाग कहते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले बाया भाग के विषय में जानेंगे कि बाया भाग क्या होता है। तो हृदय का जो बाया भाग होता है, अब हृदय का जो ऊपरी भाग बाया होता है, हृदय का जो ऊपरी भाग बाया होता है उसे कहते हैं बाया आलिंद। ठीक, और जो हृदय का निचला बाया भाग होता है उसे कहते हैं बाया निलय। बाया आलिंद और बाया निलय एक दूसरे से, बाया आलिंद, बाया निलय एक दूसरे से द्विवल्वी कपाल, कौन से कपाट, द्विवल्वी कपाट, इसे कहते हैं बाइकैप्सिड वाल्व। बाइकैप्सिड वाल्व के द्वारा पृथक होते हैं, अर्थात बायां भाग का ब्लड अलग रहता है और बायां आलिंद का भाग ब्लड अलग रहता है और जो बायां निलय है
इसके ब्लड का भाग जो ब्लड होता है वो अलग रहता है, तो दोनों का ब्लड अलग किसके द्वारा रहता है, तो द्विवलनी कपाट अर्थात बाइकैप्सुलर वाल्व के द्वारा अलग रहता है। ठीक, तो जो बाया आलिंद होता है, बाया आलिंद में आप ये छिद्र देख रहे हैं, छोटे छोटे छिद्र देख रहे हैं, ये छिद्र क्या होते हैं, क्योंकि जो पल्मोनरी सिरा होती है, पल्मोनरी जो सिराएं होती है, कौन पल्मोनरी सिराएं, बाई बाई पल्मोनरी सिराएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर दाई पल्मोनरी सिराएं आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि जो बाई जो दाई पल्मोनरी सिराएं हैं वो हार्ट के पीछे होती है, हार्ट के पीछे से आती है, तो हम यहाँ पर हार्ट का फ्रंट भाग देख रहे हैं, पीछे का भाग हम देख नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर केवल दिखा दिया गया है कि जो बाई पल्मोनरी सिराएं हैं वो बाई पल्मोनरी सिराएं बाई पल्मोनरी सिरा छिद्र के द्वारा बाय आलिंद में खुल जाती है। कौन बाई पल्मोनरी सिराएं जो है बाय आलिंद में बाय पल्मोनरी सिरा छिद्र के द्वारा खुल जाती है, जो सिराए वही छिद्र, सिरा का नाम बाई पल्मोनरी सिरा, तो छिद्र कौन सा हो गया, बाई पल्मोनरी सिरा छिद्र हो गया। ठीक, इसी प्रकार से जो दाई है जो दिखाई नहीं दे रही उनको, तो इस प्रकार से ये दाई पल्मोनरी सिरा छिद्र है, क्योंकि इसमें दाई पल्मोनरी सिरा आकर खुलती है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ये बायां भाग हो गया। ठीक, ये बाएं आलिंद के विषय में हो गया और ये बाएं निलय के विषय में हो गया। अब आते हैं दाया भाग, तो दाया भाग जो होता है ऊपर का जो दाया भाग होता है वो कहलाता है दाया आलिंद, और जो नीचे का दायना भाग होता है वो कहलाता है दाया निलय। ठीक, तो जो आलिंद और जो निलय होते हैं, दाया आलिंद और दाया निलय जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से त्रिवलनी कपाट, मोस्ट इंपॉर्टेंट त्रिवलनी कपाट अर्थात इंग्लिश में कहते हैं ट्राइकैप्सुलर वाल्व, ट्राइकैप्सुलर वाल्व के द्वारा पृथक रहते हैं, एक दूसरे से पृथक रहते हैं। कौन कौन, बाया आलिंद और बाया निलय एक दूसरे से ट्राइकैप्सुलर वाल्व के द्वारा पृथक रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी एक और दो है, तो इसको तो द्विवलनी कपाट कह दिया गया, तो यहाँ पर भी एक और दो है तो इसको द्विवलनी कपाट क्यों लिखा गया। देखिए एक बात बता दें, जो इसका तीसरा कपाट होता है, जो इसका तीसरा वाल्व होता है वो इसके पीछे होता है। ठीक, वो इसके पीछे होता है, इसीलिए हमको दिखाई नहीं देता है, जब फ्रंट से किसी स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं तो हमें आगे से दिखाई नहीं देता है, बल्कि वो जो तीसरा वाल्व होता है वो इसके पीछे होता है, इसका मतलब है कि वो ऐसे लगा होता है। ठीक, तो हमें दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर तीन वाल्व होते हैं इसीलिए इसको ट्राइकैप्सुलर वाल्व कहते हैं। तो जो दाया आलिंद होता है और जो दाया निलय होता है वो एक दूसरे से किसके द्वारा पृथक रहते हैं, तो किसके द्वारा पृथक रहते हैं, त्रिवलनी कपाट के द्वारा। ठीक, तो त्रिवलनी कपाट के द्वारा बाया आलिंद का ब्लड दाहिने निलय में नहीं आता है, जब कपाट खुलता है तभी दाया आलिंद का ब्लड दाहिने निलय में आता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा दाया आलिंद और दाया निलय। अब क्या होता है कि जो दाहिना आलिंद है इसमें आप छिद्र देख रहे होंगे, ये एक दो तीन चार छिद्र देख रहे हैं, छोटा सा छिद्र है। ठीक, तो ये छोटा सा जो छिद्र है और इसमें दो छिद्र है, तो ये छिद्र कौन कौन से हैं, हम आप इसमें नाम नहीं लिखा है, लेकिन हम आपको बताए देते हैं कि जो ये छिद्र है ये कहलाता है उच्च महाशिरा छिद्र। कौन सा छिद्र है, ये उच्च महाशिरा छिद्र है, इससे उच्च महाशिरा छिद्र के द्वारा ब्लड इसमें आता है। फिर जो निम्न महाशिरा है तो उस वो यहाँ पर निम्न महाशिरा छिद्र के द्वारा खुलती है। ठीक, तो यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र देखते हैं, तो ये छिद्र कहलाता है हृदय साइनस छिद्र, ये कहलाता है हृदय साइनस छिद्र कहलाता है, और इस छिद्र के द्वारा जो हृदय का ब्लड होता है, जो हृदय का ब्लड होता है, क्योंकि हृदय को भी तो ब्लड की आवश्यकता होती है, तो जो हृदय का ब्लड होता है वो इस जो छोटा सा हृदय साइनस छिद्र होता है, इस छिद्र के द्वारा हृदय का ब्लड जो है वो यहाँ पर दाहिने आलिंद में आ जाता है, क्योंकि हृदय को भी तो ब्लड की आवश्यकता होती है, तो इस छोटे से छिद्र के द्वारा हृदय का सारा ब्लड दाहिने आलिंद में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये छिद्र हो गए। तो अभी हमने बाया आलिंद जान लिया, बाया निलय जान लिया, फिर दाहिना आलिंद जान लिया और दाहिना निलय जान लिया। ठीक, तो इस प्रकार से हमने चारों जान लिया। अब देखिए कुछ ये आपको बता दें कि जो बाया
आलिंद है और बाया मिलय है। देखिए अब सबसे पहले ब्लड का परिवहन कैसे होता है, पहले हृदय की आंतरिक संरचना जानती है कि क्या इसमें दिखाया गया है। ठीक, तो अब हृदय के आंतरिक संरचना जानने के बाद इसमें ब्लड कहाँ से कहाँ आता है और कहाँ जाता है ये भी जान लें। तो देखिए सबसे पहले ब्लड अशुद्ध ब्लड, जितना भी अशुद्ध ब्लड होता है तो देखिए ये जो भाग होता है बाया भाग होता है ये शुद्ध ब्लड के लिए होता है। काहे के लिए होता है, यहाँ पर दोनों जगह क्या कहाँ होता है शुद्ध ब्लड होता है और यहाँ पर कैसा ब्लड होता है अशुद्ध ब्लड होता है, ऐसा होता है अशुद्ध ब्लड। तो देखिए शरीर का सारा ब्लड जितना भी ब्लड है अशुद्ध, वो अशुद्ध ब्लड पहले आकर इकट्ठा होता है दाहिने आलिंद में, दाहिने आलिंद में। और कहाँ कहाँ से आता है ये बता दें आपको, तो दाहिने आलिंद में सारा अशुद्ध ब्लड आकर इकट्ठा होता है। कैसे आता है कि उच्च महाशिरा, जो उच्च महाशिरा है उससे उच्च महाशिरा छिद्र के द्वारा ऊपर के हिस्से का, जितना ऊपर का हिस्सा है ऊपर के हिस्से का सारा अशुद्ध ब्लड उच्च महाशिरा के द्वारा दाहिने आलिंद में आ जाता है। फिर जो निचला हिस्सा है शरीर का, जो निचला हिस्सा है तो वहां से निम्न महाशिरा के द्वारा सारा का सारा अशुद्ध ब्लड हमारे दाहिने आलिंद में आ जाता है। तो इस प्रकार से ऊपर के हिस्से का और नीचे के हिस्से का सारा अशुद्ध ब्लड इसमें आ जाता है। अब साइड का ब्लड कैसे आता है, तो जो यहाँ पर दाई पल्मोनरी सिराएं हैं, तो दाई पल्मोनरी सिराएं जो है ये क्या करती है, ये भी अशुद्ध ब्लड को लाकर हमारे दाहिने आलिंद में छोड़ देती है। तो इस प्रकार से ऊपर से शरीर के निचले भाग से और साइड से दाई पल्मोनरी सिराओं के द्वारा सारा ब्लड हमारे दाई आलिंद में इकट्ठा हो गया। अब यहाँ पर सारा ब्लड इकट्ठा है, अब इकट्ठा होने के बाद अब यहाँ पर त्रिवल्ली कपाट के द्वारा, जब इस पर दाहिने आलिंद में जब ब्लड इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ पर जो त्रिवल्ली कपाट है इन पर दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ने की वजह से ये कपाट खुल जाएंगे, मतलब जो कपाट है वो खुल जाएंगे। कपाट खुलने के बाद जो अशुद्ध ब्लड है वो कहाँ आ जाएगा, दाएं निलय में आ जाएगा। अब दाहिने निलय में सारा का सारा अशुद्ध ब्लड आकर इकट्ठा हो गया। अब क्या करता है, जो दाहिना निलय होता है वो बहुत तेजी के साथ पंप करता है, बहुत तेजी के साथ पंप करता है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये पाइप जैसा पड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी महाधमनी, पल्मोनरी महाधमनी। ठीक, धमनी में हमेशा शुद्ध ब्लड बहता है, धमनी में कैसा ब्लड बहता है, शुद्ध ब्लड बहता है। लेकिन यही एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध ब्लड बहता है, कह सकते हैं कि ये अपवाद है। ठीक, तो ये जो पल्मोनरी महाधमनी है, अब देखिए हार्ट के इधर और उधर दोनों जगह फेफड़े होते हैं, क्योंकि हार्ट बीच में होता है, इधर भी फेफड़े होते हैं इधर भी फेफड़े होते हैं, दोनों जगह दोनों भाग में फेफड़े होते हैं। तो यहाँ से अशुद्ध ब्लड पंप होने के बाद हमारी पल्मोनरी महाधमनी के बाद दोनों फेफड़ों में चला जाता है। देखिए इधर वाले फेफड़े में इधर चला जाता है, बाएं फेफड़े में दाहिने फेफड़े में और फिर बाएं फेफड़े में चला जाता है ब्लड। तो दाहिने और बाएं दोनों फेफड़ों में पल्मोनरी महाधमनी के द्वारा ब्लड अशुद्ध ब्लड शुद्ध होने के लिए चला जाता है। अब फेफड़ों में ब्लड शुद्ध होने के लिए चला गया, अब वहां से ब्लड वापस शुद्ध हो गया, अब शुद्ध वाला ब्लड कैसे आएगा, तो पल्मोनरी पल्मोनरी जो बाई पल्मोनरी सिराएं हैं और जो दाई पल्मोनरी सिराएं हैं तो उनके द्वारा शुद्ध ब्लड जो है वो बाएं आलिंद में आ गया। सारा का सारा ब्लड बाई पल्मोनरी सिराएं और दाई पल्मोनरी सिराएं जो होती है उनके द्वारा ब्लड आ जाता है। ठीक, अब क्या होता है कि वहां से ब्लड आने के बाद बाएं आलिंद में ब्लड इकट्ठा हो गया, ब्लड इकट्ठा होने के बाद वो ब्लड द्विवल्ली कपाट के द्वारा कहाँ आ जाता है, बाएं निलय में आ जाता है। और बाएं निलय में आ जाने के बाद यहाँ बहुत तेजी के साथ पंप किया जाता है। पंप करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये संरचना देख रहे हैं दैहिक महाधमनी, इसका नाम क्या रखा गया है, दैहिक महाधमनी। दैहिक माने देह, अर्थात जो देह अर्थात शरीर में जो ब्लड को भेजे या ले जाए, शरीर में जो ब्लड को ले जाए तो यहाँ पर शुद्ध ब्लड को बाएं निलय बहुत तेजी के साथ पंप करता है। और पंप करने के बाद बाएं निलय के द्वारा पंप होने के बाद दैहिक महाधमनी से ब्लड हमारे शरीर के समस्त भागों में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से पहले ब्लड दाहिने आलिंद में आया, फिर वहां से त्रिवल्ली कपाट द्वारा दाएं निलय में आया,
फिर यहाँ से जो है पल्मोनरी महाधमनी के द्वारा फेफड़ों में पहुंचा। फेफड़ों में पहुंचने के बाद फिर वहां से शुद्ध हुआ। शुद्ध होने के बाद बाई पल्मोनरी सिराए और दाई पल्मोनरी जो धमनियों के द्वारा ब्लड इसमें बाएं आलिंद में आ गया और बाएं आलिंद से द्विवर्ती कपाट के द्वारा बाएं हृदय में आ गया। बाएं हृदय से पंप होने के बाद दैहिक महाधमनी के द्वारा समस्त शरीर में भेज दिया गया। तो इस प्रकार से रुधिर में हार्ट में रुधिर का पंप होता रहता है। अब हम कुछ आपको चीजें बता दें ताकि आप चित्र बनाने में गलती ना करें। देखिए जो जब चित्र बनाएंगे इसका तो जब चित्र बनाएंगे तो देखिए मैंने ऊपर की दीवारों को पतला बनाया है और नीचे की दीवारों को मैंने मोटा बनाया है। बना है कि नहीं बना है? ऊपर की दीवारें पतली बनी है और नीचे की दीवारें मोटी बनी है। आपको भी ऐसे करना है, ऊपर की दीवारों को पतला बनाना है और नीचे की दीवारों को अर्थात आलिंद की दीवारों को, दोनों आलिंद की बात कर रहे हैं, आलिंद की दीवारों को पतला बना सकते हैं और जो मिले हैं इनकी दीवारों को हम मोटा बनाएंगे। क्यों बनाएंगे इसका भी कारण होता है, क्योंकि जो आलिंद होते हैं आलिंद में बहुत ही कम दाब पड़ता है रुधिर को भेजने के लिए। रुधिर को निलयों में भेजने के लिए बहुत ही कम दाब पड़ता है और जबकि जो निलय होते हैं, निलय को जो निलय होते हैं इनको रुधिर में रुधिर को बहुत दूर तक भेजना होता है, इसीलिए ये बहुत तेजी के साथ बहुत प्रेशर के साथ बहुत दबाव के साथ पंप करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। अगर इनकी दीवार पतली होगी तो ये फट जाएंगे, मतलब इनको नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए आलिंदों की अपेक्षा निलयों की दीवारें मोटी होती है। तो हम आलिंद की दीवारों को पतला बनाएंगे और जो निलय होंगे इनकी दीवारों को मोटा बनाएंगे। ठीक, तो आज आप हार्ट के आंतरिक संरचना के विषय में समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कल जो हम नया टॉपिक लाएंगे वो हम लाएंगे रुधिर का दोहरा परिसंचरण। रुधिर का दोहरा परिसंचरण क्या होता है और कैसे होता है। ठीक, तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको रुधिर का दोहरा परिसंचरण बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको फिगर को बनाइए, कई बार इसका अभ्यास करिए, फिगर अच्छे से बनाइए, इसको समझिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप इसको पूछिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।